हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक जानवर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है पैंगोलिन। ओके, शायद आपने इसके बारे में सुना हो और शायद ना भी सुना हो। बहुत ही विचित्र किस्म का प्राणी है ये, और सबसे ज़्यादा जो तस्करी है, ट्रैफिक्ड मैमल, यानी सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड अगर किसी मैमल की होती है तो वो पैंगोलिन है। आज हम इसी जानवर के बारे में बात करेंगे और इसकी तस्करी क्यों की जाती है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है, और इस जानवर के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल रहता है, और मेरे वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। अब देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रेलेवेंस की बात करें तो जो आपका टॉपिक है कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है। और अभी करंट अफेयर क्यों है ये, बिकॉज फेब्रवरी 20 जो है इसको पूरी दुनिया में पैंगोलिन डे जो है वो मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड, यानी ये वो मैमल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तस्करी पूरे दुनिया में होती है, और सबसे ज़्यादा देखिए चाइना और वियतनाम में पैंगोलिन्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इनका मीट जो है वो एज अ डाइट लेते हैं। और इनके जो स्केल्स हैं, जैसे मैंने शुरू में भी आपको इसका पिक्चर दिखाया, इस तरह के स्केल्स इनकी बॉडी पे हैं जिसके लिए ये ट्रेड की जाती है। और ये माना जाता है कि ये जो स्केल्स हैं ये काफ़ी बीमारियों में हेल्प करते हैं उनको दूर करने के लिए, चाहे वो अर्थराइटिस हो या फिर आस्मा हो या फिर कैंसर हो, इसलिए ये बहुत ही हाई प्राइस में बिकते हैं। और पिछले 10 सालों में आप मान लीजिए 1 मिलियन जो पैंगोलिन्स हैं उनको मारा गया है, और उनकी इलीगल ट्रेड जो है इन देशों में, एशिया में स्पेसिफिकली, वो हुई है। अब आगे चलिए, अब पैंगोलिन की बात करते हैं कि पैंगोलिन क्या है। पैंगोलिन देखिए नॉक्टर्नल एनिमल है। एक टर्म होती है आपकी डायर्नल। डायर्नल उन एनिमल्स को बोलते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं। नॉक्टर्नल हो गए वो जो रात में एक्टिव रहते हैं। अब ये स्केली एंट ईटर्स हैं, जो इनकी बॉडी पे आपने पिक्चर्स में देखा जो स्केल्स हैं। ओके, तो ये एंट ईटर्स यानी ये एंट्स को खाते हैं, इसलिए इनको स्केली एंट ईटर्स बोला जाता है। और बहुत ही ओवरलैपिंग स्केल्स इनके रहते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा। अब ये जो मैमल्स हैं बरोइंग, ये खोद के ज़मीन में रहते हैं, और इनकी बहुत ही लंबी टंग रहती है, स्टिकी टंग होती है, क्योंकि इनके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो नहीं होते, राइट। और अराउंड 8 तरह की इनकी जो स्पीशीज़ हैं जो एशिया और सब सहारन अफ्रीका में पाई जाती हैं। और इनकी अभी हम इसलिए इनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तस्करी जो है इस मैमल की पूरी दुनिया में होती है। लेकिन हमारे एक कन्वेंशन है साइट्स, उसके अंदर इसको प्रोटेक्शन दी गई है। ये साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। के बाद देखिए साइट्स में प्रोटेक्शन दी गई है, और उसके बाद इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो जो चाइनीज पैंगोलिन है उसको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला जाता है, और उसको IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। IUCN रेड लिस्ट क्या, आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। ओके, वहाँ पर भी इसको एफिलिएट UN द्वारा किया गया है। और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा 1972 का, वहाँ पर भी Schedule 1 कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है पैंगोलिन को। अब देखिए पैंगोलिन की बात करें तो ये क्या है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा क्रोकोडाइल जैसा, जितने भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं ये कुछ कुछ वैसा लगता है, लेकिन ये रेप्टाइल नहीं है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये रेप्टाइल है स्केल्स की वजह से और उसके आकार की वजह से, लेकिन ये मैमल है। मैमल हम किसको बोलते हैं, वो एनिमल्स जिनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को दूध पिला सकते हैं, मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं। तो ये जो पैंगोलिन है ये मैमल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो इसके स्केल्स हैं ये इनको यूज़ करता है अगर कोई इसका शिकार करना आ रहा है, या इसको कोई खाना, जो इसके प्रिडेटर्स होते हैं जो इस पर शिकार करते हैं, ये उनके खिलाफ इन स्केल्स को यूज़ करता है। और अगर इस पर कोई अटैक करता है तो ये इस तरीके से पूरा एक बॉल की तरह रोल अप हो जाता है, राइट, और फिर अपनी टेल से अपने प्रीडेटर के खिलाफ लड़ता है।
अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया में और पूरे दुनिया में इनके 8 तरह के टाइप्स हैं, स्पीशीज़ हैं. यहाँ पे अलग अलग नाम हैं, वैसे इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. और आगे इनका जो साइंटिफिक नाम है वो दे रखा है. अब देखिए ये क्या खाते हैं पैंगोलिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका पूरा आकार है, इसलिए मैंने कहा ये रेप्टाइल जैसा दिखता है लेकिन ये रेप्टाइल नहीं है. अब देखिए पैंगोलिन जो है ये एंट्स पे जीते हैं, इनको खाते हैं, जो हमारी चींटियाँ होती हैं, टर्माइट्स जो होते हैं, लार्वा होते हैं जो एनिमल्स के, तो इसलिए इसको स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है. नेचर वाइज ये एनिमल बहुत शाई है, बहुत शर्मीला है, ये ग्रुप्स में बिल्कुल भी नहीं रहते. जो भी इनके जितने भी एनिमल्स हैं ये बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं. और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इनको साथ रखने की कोशिश की गई और वहाँ पे देखा गया कि अगर ये ग्रुप्स में रहते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर खाना पीना बंद कर देते हैं और ये मर जाते हैं. और अभी पैंगोलिन्स की बात ऑब्वियसली इसलिए हो रही है, एक तो ये बहुत ज़्यादा तस्करी की जाती है, हो रही है इनकी, और इनका एक्सटिंक्ट होने का डर है कि थोड़ी देर में ये जानवर जो है इस धरती से खत्म हो जाएंगे. इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि साइट्स में इसको प्रोटेक्शन मिला है, साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा. और ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है. और अराउंड 35,000 स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया में जिसको साइट्स में प्रोटेक्शन मिली है. जो साइट्स में जो भी, देखिए ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्री इसको ज्वाइन करना चाहती है वो करे, सब पे बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंट्री है. और जो कंट्रीज इसको ज्वाइन करती हैं फिर उनको पार्टीज़ कहा जाता है. पार्टीज़ पे जो इसके में लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, वो लीगली बाइंडिंग रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंट्री के नेशनल लॉ से ऊपर नहीं होते, इसलिए उनके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाता है साइट्स के लिए. और अभी हाल ही में रिसेंटली ही पैंगोलिन को जो है अपेंडिक्स वन प्रोटेक्शन जो है साइट्स में वो दी गई है. अब देखिए हमें किस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए. ऑब्वियसली साइट्स को मैंने आपको बताया, और ऊपर से जो कैंपेन है, अवेयरनेस है इस जानवर के बारे में, वो भी हमको बढ़ानी चाहिए. क्यों बढ़ानी चाहिए? देखिए एक तो इसको इसके मीट के लिए खाया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इसका जो मीट है वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए लोग इसको कंज्यूम करते हैं डाइट की तरह. और दूसरे आप इसके स्केल देख रहे हैं, स्केल्स के लिए माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ठीक करते हैं, चाहे वो आपका एस्मा हो, कैंसर हो, या फिर राइटिस हो. लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है ये जो स्केल हैं ये कोई बीमारी ठीक नहीं करते, ये सिर्फ ट्रेडिशनल पुराने लोगों के विचार हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते, अवेयरनेस से ही दूर हो सकते हैं. क्योंकि ये जो स्केल्स हैं उन्होंने देखा इसको, इस पर रिसर्च करके, ये कैरेटिन प्रोटीन जो है उसका बना होता है. कैरेटिन प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा, हमारे नेल्स भी कैरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये सिर्फ कैरेटिनाइज्ड सेल्स हैं. अगर ये कैंसर दूर करते हैं या बाकी बीमारियां दूर करते हैं, तो अगर आप अपने फिंगर नेल्स को भी बाइट करेंगे तो आप कैंसर से प्रोटेक्शन ले सकते हैं. लेकिन ये एक इस तरह का कल्चरल बिलीफ आप समझ सकते हैं कि वो बन गया है, जिसको दूर करना बहुत ही एक मुश्किल काम है. ओके, और जो एशियन पैंगोलिन्स हैं वही सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं, और इनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है इनकी पॉपुलेशन को बहुत ही थ्रेटनिंग लो जो है ये हो चुका है. ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रोटेक्शन और हम कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं. थैंक यू.